हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ग्रीन टी स्क्रब। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, गर्मी आ चुकी है और हमारी ऑयली स्किन हो जाती है, जिससे हमारे एक्ने और पिंपल्स आने लगते हैं। तो गाइस, मैं आज बहुत अच्छा सा ग्रीन टी स्क्रब शेयर करूंगी, ग्रीन टी स्क्रब बनाऊंगी। और इसको बहुत ही इजी है लगाना और बनाना भी बहुत ही इजी है। तो गाइस, हम लोग इसको बनाएंगे और ये बहुत ही अच्छा आपकी स्किन पे ग्लो लाएगी, आपकी डेड स्किन को हटाएगी और तो और साथ ही साथ ये हमारे डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करेगी, हटाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिटन की ये ग्रीन टी बैग लिया है और साथ ही साथ एक चम्मच शहद लिया है। तो फ्रेंड्स, आप कोई सा भी ब्रांड का ग्रीन टी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिटन की मेरे पास थी तो मैंने लिटन की ले ली और इसको मैंने हैंड से हटा दिया और मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया। गाइस, ये मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया है। सो गाइस, ग्रीन टी बहुत ही अच्छा है, एक्ने फाइटर होता है और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे एक्ने और पिंपल्स को किल कर देती हैं और हमारे स्किन को ग्लो करती हैं और बहुत ही अच्छी यंग बनाती हैं हमारी स्किन को ग्रीन टी। गाइस, ग्रीन टी हमें एक इवन टोन लुक देती है, हमारे स्किन से सारे हमारे डार्क स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल्स सब कुछ रिमूव कर देती है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ये स्क्रब है। गाइस, फ्रेंड्स, जो मैं ये स्क्रब आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है। इसको यूज़ करने पे हमारे स्किन पे कोई भी इचिंग नहीं होती और रेडनेस भी नहीं होती। जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अच्छा स्क्रब है और ये बहुत ही माइल्ड सा स्क्रब है, बट ये बहुत अच्छा यूज़ देता है, बहुत ही अच्छा ये रिज़ल्ट देता है गाइस। सो गाइस, ये हमारे फाइन लाइन और रिंकल्स को भी रिमूव करती है। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है और ये बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है गाइस। ये हमारी फाइन लाइन, रिंकल्स और डेड स्किन को भी बहुत अच्छे से निकाल देती है, बहुत अच्छा स्क्रब है। फ्रेंड्स, ग्रीन टी हमारे स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस रखती है, ना कि ज़्यादा ऑयली बनाती है ना कि ज़्यादा ड्राई बनाती है, या हमारे पीएच लेवल को एकदम मेंटेन रखती है ग्रीन टी। गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स हैं। आप अगर ग्रीन टी स्क्रब यूज़ करें तो फिर आपकी स्किन एकदम निखर के आएगी गाइस। गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाइस, किसी भी स्क्रब को सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना चाहिए और वो भी माइल्ड फिंगर से अप्लाई करना चाहिए। उससे हमारी स्किन पे रेडनेस नहीं आती और बहुत ही अच्छे से हमारी स्किन एक्सफोलिएट भी हो जाती है फ्रेंड्स। तो गाइस, जैसे कि मैंने इसमें हनी भी ऐड करा है, तो हनी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चर देता है और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो करता है। गाइस, हनी हमारी स्किन में मॉइस्चर तो देता है बट हमारी स्किन को ऑयली बिल्कुल भी नहीं करता। इसीलिए हनी ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजर साबित होता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक के पहुँचे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।